फल का रेट मिल रहा है 80 से 90-100। 80-90-100 रेट मिल रहा है, ये मंडी का रेट है या रिटेल का? ये मंडी का रेट है। मंडी का रेट है, और दुकानों में रिटेल में क्या मिल रहा है? रिटेल में 150 रुपए से कम, 150 से कम, 140-150 इस रेट जा रहा है। हाँ। अभी फ्रूट साइज कैसा है इसमें आप बताइए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? स्वागत है आपका एमबी नर्सरी के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ये है आलू बुखारे का पौधा, वेराइटी है काला अमृतसरी, और इसमें जो साइज लगता है आलू बुखारे का वो छोटे साइज का आलू बुखारा लगता है। ये आप देखिए इसमें इस साइज का लगता है, ये है सतलुज पर्पल, काफी अच्छा फ्रूट है, शाइनदार है। हालांकि अभी थोड़ा कच्चा तोड़ लिया गया है क्योंकि ये मार्केट में भी रखा रहेगा 2-4 दिन। और ये इसकी प्लांटेशन है, इसमें जो हमें प्रोडक्शन मिलती है एक प्लांट से वो मिलती है 50 kg के अप्रोक्स। आप इसका साइज देखिए, साइज भी काफ़ी अच्छा है सतलुज का। काला अमृतसरी जो होता है उसका साइज थोड़ा छोटा होता है इससे। ये आप देखिए काफ़ी अच्छा साइज लगा हुआ है इसमें। अब मैं आपको मिलवाता हूँ बाग के ठेकेदार से, जिन्होंने ये बाग ठेके पर ले रखा है। आपने ये बाग ठेके पर ले रखा है? हाँ जी, ठेके पर। एक पौधे से अभी फिलहाल कितना प्रोडक्शन मिल रहा है? मिल रहा है जी 15-20 रुपए किलो तक। 15-20 किलो मिल रहा है, इतना कम प्रोडक्शन क्यों मिल रहा है अभी? इसमें कटिंग ज्यादा करते हैं बाग की, कटिंग ज्यादा कर लेते हैं बाग की क्योंकि पौधे तैयार करते हैं। हाँ, पौधे तैयार करते हैं और हर साल इसी तरह कटिंग। अच्छा चलो, ये तो बात हो गई कटिंग की। और दूसरी बात, अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि जो सतलुज पर्पल है आलू बुखारा, मार्केट में क्या रेट जा रहा है? आप मार्केट में इसे बेच के आ रहे हो? मार्केट में उधर आ जाओ, हल्का रेट मिल रहा है 80 से 90-100। 80-90-100 रेट मिल रहा है, ये मंडी का रेट है या रिटेल का? ये मंडी का रेट है। मंडी का रेट है, और दुकानों में रिटेल में क्या मिल रहा है? रिटेल में 150 रुपए से कम, 150 से कम, 140-150 इस रेट जा रहा है। अभी फ्रूट साइज कैसा है इसमें आप बताइए। ये भी आपने यहाँ पे रखे हुए हैं, तो क्या आप मुझे एक चीज बताइए, अगर कोई किसान इस चीज का बाग लगाना चाहता है तो क्या ये वेरायटी उनके लिए सही है, इसके अलावा कोई और वेरायटी अच्छी है? नहीं, वैरायटी तो अच्छी है अगर कटिंग ना हो। कटिंग ना हो? हाँ, कटिंग तो मेन बात है ना कि पौधे तैयार करते हैं तो इसलिए कटिंग कर दी जाती है। ये तीन साल के बाद में वो भी हल्की कटिंग होती है इसकी। अगर इसकी कटिंग ना करें हम, हाँ, तो 5 साल का पौधा कितना प्रोडक्शन दे देगा हमें? 5 साल का पौधा दे देगा तकरीबन 40-45 50 तक पहुंच जाता है इसका, 45 से 50। मेहनत करी अच्छी हुई, हाँ, फिर प्रोडक्शन आगे आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये आपने बाग ले रखा है? हाँ जी। कितने रुपए में ले रखा है ये बाग आपने? ले रखा है जी 870 में। 870,000 में ले रखा है। वैरायटी में कोई कमी? कोई कमी नहीं है, अच्छी वैरायटी है। सारे जितने भी है एक। पौधे की केयर में क्या देख रेख रखनी चाहिए हमें? आप तो कर रहे हो देख रेख इसकी, कोई दिक्कत, कोई रोग वगैरह आता हो इसमें जिसका ज्यादा ध्यान रखना पड़ता हो? जो कीड़ा आता है डब्बा भी टांगते हैं इसका, मक्खी के लिए। मक्खी के लिए? अच्छा, इसकी दवाई आती है। अच्छा, वो डब्बा टांगते हैं पेड़ के ऊपर, इधर पेड़ पे नहीं। हाँ वो वो मॉस्किटोज ट्रैप आता है। हाँ, वो लगा देते हो। बाकी इसके अलावा कोई रोग नहीं आता मुझे? नहीं, 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 कोई रोग नहीं। अच्छा, स्प्रे होता है बस इसका, जैसे का मतलब कोई मच्छर कीड़ा हो ठंडी। ठीक है, तो ये था बाग के किसान का रिव्यू, जिन्होंने बाग ठेके पे ले रखा है। काफी अच्छी वैरायटी है ये। ऐसी इसमें कोई दिक्कत है नहीं कि गर्म प्रदेशों में फ्रूटिंग नहीं होती है, फ्रूटिंग बहुत अच्छी होती है, टेस्ट भी अच्छा होता है और साइज भी अच्छा लेता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।